आज की इस वीडियो में आप लोगों को WhatsApp के 5 इंपॉर्टेंट और सीक्रेट बताई जाएंगी। नंबर 5 पे ऊपर हमारे पास कौन सी सेटिंग है, हाउ टू चेक एंड WhatsApp मैसेज डिलीवर एंड सेंडिंग टाइम। अगर आप लोग किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका मैसेज किस टाइम सेंड हुआ है और अगले बंदे ने किस टाइम रीड किया है। और टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने इस ट्रिक से कैसे फ़ायदा उठाना है। आप लोगों ने जिस ग्रुप के अंदर मैसेज सेंड किया है उसको आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने 3 डॉट के ऊपर आना है, इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। जी हाँ, जैसे कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर इस बंदे ने इस टाइम मेरा मैसेज रीड किया है, तो आप लोग भी इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करके इन्फो के ऊपर आएंगे। इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका मैसेज किस टाइम डिलीवर हुआ है और किस किस बंदे ने इसको रीड किया और किस टाइम रीड किया है। तो चलें और हमारी आज की जो चौथी सेटिंग है, सेटिंग नंबर 4, हाउ टू सेंड मैसेज विदाउट सेव नंबर। जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप किसी का नंबर सेव किए बिना उससे चैट करें तो आप लोगों ने अपने क्रोम के अंदर आना है। आप लोगों ने इधर लिखना है wa.me/ आप लोगों ने जिससे चैट करनी है उसका नंबर इधर लिख लेना है। नंबर आप लोगों ने कंट्री कोड लगाना है, उसके बाद ऐड करना है। मैं तो लिख लूँगा 92। और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू चैट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये नंबर मेरे पास सेव था, ऊपर लिखा हुआ आ गया जैज नंबर। अगर आप लोगों के पास नंबर सेव नहीं है तो आप लोग इसी तरह करके उसको उसके साथ चैट कर सकते हैं। आप लोगों के सामने मैं ये मैसेज सेंड करता हूं। अभी आप लोग भी इसी तरह करके उससे चैट कर सकते हैं। आज की जो हमारी तीसरी सेटिंग है वो कौन सी है, हाउ टू एक्सपोर्ट व्हाट्सएप चैट ईमेल। जी हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि तीसरे बंदे तक सेंड करनी है आप लोगों ने, तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेना है, 3 डॉट के ऊपर आना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट चैट के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह ऑप्शन आ जाएंगे। आप व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी सेटिंग है वो कौन सी है, हाउ टू मेक व्हाट्सएप स्टिकर। आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप का व्हाट्सएप के स्टिकर किस तरह बनाने हैं, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने प्ले स्टोर के अंदर आना है। आप लोगों के सामने मैं प्ले स्टोर को ओपन करूंगा, इधर लिखूंगा स्टिकर मेकर। स्टिकर मेकर मैंने इसको कह लें कि सर्च कर लिया। अब इंस्टॉल करके आप लोगों को स्टिकर बना के दिखाऊंगा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप का स्टिकर किस तरह बनाना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं, आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। स्टिकर मेकर इंस्टॉल हो चुका है आप लोगों के सामने। क्रिएट ए न्यू स्टिकर के ऊपर क्लिक करूंगा, स्टिकर का नेम क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, ईमेल सेलेक्ट करूंगा इधर से मैं, अब मैं इसको सेव कर लूंगा स्टिकर को। ऐड टू व्हाट्सएप चैट के ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये मेरा व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो चुका है। अब मैं जब चाहूं किसी को भी ये स्टिकर सेंड कर सकता हूं। तो आप लोगों के सामने मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूं, स्टिकर के ऊपर क्लिक करूंगा, ये स्टिकर मेरा व्हाट्सएप के अंदर ऐड हो गया है, तो मैंने ये सेंड कर दिया है।
आप लोग भी इसी तरह सेंड कर सकते हैं किसी को भी। हमारा नंबर वन के ऊपर जो फीचर है वो बहुत ही कमाल का फीचर है। वो कौन सा फीचर है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नंबर कोई भी किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड ना करे, तो आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अपना व्हाट्सएप ओपन करूँगा और तीन डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, अकाउंट के अंदर क्लिक करूँगा, प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ये ग्रुप्स हैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेशन, जितने नंबर है आप मोबाइल के अंदर जितने फ़ोन नंबर होंगे आप लोगों ने सारों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको टिक कर देना है। आप जो भी इनमें से कोई ग्रुप बनाएगा तो आपको वो ऐड नहीं करेगा, आप ऐड नहीं होंगे। अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा होता है तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा।